नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान लेलो में। आज के इस वीडियो में हम HTML में बॉडी टैग के बैकग्राउंड में इमेज लगाने वाले हैं यूजिंग CSS। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने एक HTML की ब्लैंक फाइल ओपन कर ली है। इसमें मैं HTML का टैग ओपन और इसे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, देन सेव। अब मैं बॉडी टैग के अंदर एक H1 टैग लगा देता हूँ ताकि हमें स्क्रीन पे कुछ शो हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने H1 टैग लगा दिया और इसे क्लोज कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स, देन सेव। अब मैं इस H1 टैग के अंदर कोई टेक्स्ट डाल देता हूँ, तो मैंने लिखा वेलकम ले लो चैनल, ठीक है फ्रेंड्स, देन सेव। अब मैं हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग ओपन करूँगा और इसे क्लोज करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने स्टाइल टैग ओपन करा और इसे क्लोज करा, ठीक है फ्रेंड्स। अब मुझे बॉडी टैग के बैकग्राउंड में इमेज लगानी है, तो मैं इस स्टाइल के अंदर बॉडी टैग को एक्सेस करूँगा, तो मैंने लिखा बॉडी, ठीक है फ्रेंड्स, देन इसके ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैंने इसके अंदर डाला बैकग्राउंड इमेज, ठीक है फ्रेंड्स, और मैंने बैकग्राउंड इमेज के अंदर डाल दिया URL। URL में मैं डालूंगा कि इमेज का पाथ क्या है और इमेज का नाम क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो URL मैंने डाल दिया, इसमें मैंने इमेज का नाम डाल दिया 1.jpg, ठीक है फ्रेंड्स। मेरी फाइल और इमेज दोनों सेम लोकेशन पर है, इसलिए मैंने इसमें 1.jpg डाला। अगर मेरी इमेज वाली फाइल दूसरी लोकेशन पे होती तो मैं उसका पूरा पाथ कॉपी करके इधर डालता, ठीक है फ्रेंड्स, देन सेव। मैं इसका आपका आउटपुट चेक करा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, प्रॉपर हमारा आउटपुट आ चुका है। अब आप देखेंगे फ्रेंड्स कि ये इमेज यहाँ तक ही है, फिर से इसके बाद इमेज स्टार्ट हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसमें डाल दूंगा बैकग्राउंड इमेज को, मेरे को रिपीट नहीं करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने लिखा बैकग्राउंड रिपीट, तो BACKGROUND बैकग्राउंड, ठीक है फ्रेंड्स, रिपीट, ठीक है फ्रेंड्स, देन सेव। अब मैं बैकग्राउंड रिपीट के अंदर दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो रिपीट, एक नो रिपीट। तो मैं इसको डाल देता हूँ नो रिपीट, ठीक है फ्रेंड्स, देन सेव। मैं इसका आपको आउटपुट चेक करा देता हूँ, F5। देखिए फ्रेंड्स, अब ये इमेज सिर्फ एक ही बार आई है, बार बार रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं इस इमेज का साइज सेट कर देता हूँ, तो मैंने लिखा बैकग्राउंड साइज, जो मैंने डाल दिया कवर, ठीक है फ्रेंड्स। कवर मीन्स कि ये इमेज जो है वो पूरे वेब पेज को घेरेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसका आपको आउटपुट चेक करा देता हूँ, F5। देखिए फ्रेंड्स, हमारे प्रॉपर वेब पेज पे ये इमेज आ चुकी है। अगर आपको इस इमेज के अंदर कवर नहीं डालना है तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने डाल दी विड्थ इसकी 100% एंड मैंने हाइट डाल दी 100 VH, ठीक है फ्रेंड्स, देन से मैं इसका आपको आउटपुट चेक करा देता हूँ, F5। देखिए फ्रेंड्स, हमारे प्रॉपर वेब पेज पे ये इमेज आ चुकी है। ऐसे ही प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।